आज मैं अपना घर को छोड़ के जा रहा हूँ और 2-3 महीने के लिए जा रहा हूँ। आज जा रहा हूँ, ये टंकी वगैरह, गैस सिलेंडर वगैरह और बाकी का पुराना सामान डाल दिया हूँ। तो इधर ये बस स्टैंड साइड घुस है अभी, तो ये बस स्टैंड का सीन देख लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा बहुत प्यारा होंगे। तो फ्रेंड्स यार, स्वागत है न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स यार, आज मैं अपना घर को छोड़ के जा रहा हूँ और 2-3 महीने के लिए जा रहा हूँ। आज से 2-3 महीने के बाद मैं आऊँगा एग्जाम लिखने के लिए जा रहा हूँ फ्रेंड्स। बगीचा यार, तो आज अपना घर को छोड़ के जा रहा हूँ, बहुत मिस करूँगा अपना घर को, अपना ये आसपास का क्षेत्र को। बहुत दिन बाद मैं आऊँगा ब्रो, मैं तो जा रहा हूँ। हाय कर दो, इधर सतीश भी है। तो सुबह सुबह हम लोग पूरा सामान का पहुँचा दिए हैं बस स्टैंड बाइक से, और जितना सामान लगता है एक ठीक रूम में शिफ्ट हो रहे हैं। बगीचा में रूम खोजें तो वहीं पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो वहीं पर जा रहे हैं फ्रेंड्स। और मम्मी भी बहुत सारा हेल्प करी, वो भी दरवाजा में खड़ी है। तो फ्रेंड्स यार, मैं पूरा सामान का आस्था बस स्टैंड पहुँचा दिया हूँ, तो फिलहाल चलते हैं वहीं पर। A few moments later. तो फ्रेंड्स यार, मैं बस स्टैंड में हूँ, बस स्टैंड पहुँच चुका हूँ। और ये देख सकते हो फ्रेंड्स, सामान लेके जा रहा हूँ, ये टंकी वगैरह, गैस सिलेंडर वगैरह और बाकी का बुरा ना सामान डाल दिया हूँ। तो फ्रेंड्स यार, मैं घर पे ब्लॉग को कंटिन्यू कर नहीं पाया, पता है क्यों? क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, तो वहाँ पर थोड़ा क्या ही कहना, अलग ही सीन लग रहा था। तो मेरे को भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा मेरे को भी एकदम, मैं भी पूरा इमोशनल हो गया था। और घर से जाने का दुख समझ सकते हो यार, सपनों के खातिर घर छोड़ दिया कहने टाइप का हो गया। तो फ्रेंड्स यार, फिलहाल मैं बस का वेट कर रहा हूँ चिश्ती बाबा का, फिर चलेंगे अपना कॉलेज के लिए यार। और घर से जाने के एकदम ऐसा लग रहा है कि क्या ही बताऊँ, अंदर से एकदम टूटा टूटा लगता है। तो क्या ही करना, लाइफ में कुछ करने के लिए मम्मी पापा को छोड़ना पड़ता है, घर द्वार छोड़ना पड़ता है। तो उस किस्म से मैं भी अपना घर द्वार, अपना मम्मी पापा को छोड़ के जा रहा हूँ। और देखते हैं, अगर इतना सारा कुछ करने के बावजूद सफलता नहीं मिलेगा तो आगे ही पता नहीं मेरा लाइफ में क्या ही लिखा हुआ है, तो फ्यूचर में क्या होगा उसको कोई कोई नहीं जानता है। तो फ्रेंड्स यार, फिलहाल मैं बस का वेट कर रहा हूँ, कितना टाइम बस आएगा कि मैं जाऊँगा। तो फ्रेंड्स यार, मैं थोड़ा देर वेट किया, इसके बाद में जल्दी ही बस आ गया। और आज अजीब सा लग रहा है, क्या ही कहना, आज छोड़ के घर जा रहा हूँ तो बहुत अजीब सा लग रहा है। तो फ्रेंड्स यार, ये देख सकते हो फिलहाल बस में हूँ और बस में ज़्यादा भीड़ भी नहीं है फ्रेंड्स। तो बस का बैकग्राउंड को दिखाता हूँ आपको। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स, आजकल पूरा स्टूडेंट कोई जाता ही नहीं है कॉलेज या तो फिर स्कूल, तो देख सकते हो पूरा बस खाली रहता है और मतलब इसे सवारी वारी कुछ नहीं मिले हैं। तो फ्रेंड्स यार, बस आज पूरा खाली है, तो आज ऐसे जा रहा हूँ होटल में और देखता हूँ दोस्त लोग आएंगे या नहीं, और तो रूम जाने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं यार अपना रूम। तो लेट्स गो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यार, अभी मैं बगीचा पहुंच चुका हूं, बट बगीचा का बस स्टैंड में नहीं हूं, अभी मैं तहसील चौक में हूं। ये देख सकते हो तहसील चौक का बैकग्राउंड। तो फ्रेंड्स यार, हम लोग का बस ना जो जाता है वो अलग रास्ता से जाता है पत्थलगांव। मैं सोचा था कि कांसाबेल इधर होते हुए, मतलब रायकेरा होते हुए जाएगा, बट उधर से नहीं जाता है। तो फ्रेंड्स यार, अपना सामान को उतार दिया, अभी दूसरा बस का वेट कर रहे हैं, दूसरा बस आएगा फिर हम लोग जाएंगे, पता नहीं वो कब आएगा ये समझ में नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सामान को ना मैं डाल दिया था डिक्की में, इतना ज़्यादा गंदा कर दिया ना पूरा सामान, मेरा कपड़ा उसको उतारते उतारते पूरा कपड़ा भी गंदा हो गया यार, मेरा जैकेट वगैरह भी गंदा हो गया, पता है मैं धो धा के आया था, पूरा का पूरा निपट गया और यहाँ पर धूल भी खतरनाक उड़ रहा है। तो फ्रेंड्स यार, अभी मैं बस का वेट कर रहा हूँ फिलहाल, और दूसरा बस का कितना टाइम आगे भी पता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ तो कैसे पता रहेगा। तो फ्रेंड्स, अभी वेट करते हैं, फिर ज़्यादा टाइम मिलता है फिर आपसे। तो फ्रेंड्स यार, ये देख सकते हो थार, महिंद्रा थार, एकदम यार सौरभ जोशी का टाइप का लग रहा है मेरे को। अभी ये तहसील चौक के पास आया हुआ है यार, अपना भी सपना है क्या ही कहना, लेकिन ये कब पूरा होगा ये समझ नहीं आ रहा है। ऑटो उधर से आके पार हो गया, मेरे को ऑटो वेट कर रहा हूँ साला, वो पार ही हो गया। वीडियो बनाने के चक्कर में मैं देख भी नहीं पाया। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो यार, बवाल लग रहा है एकदम गदर, कब तू अपना होगी टाइप का लगता है यार। तो चलो, अभी मैं वेट ही कर रहा हूँ यार बस का, ऑटो का, बट आ ही नहीं रहा है, किधर किधर जा रहा है उल्टा पुल्टा। तो फ्रेंड्स यार, अभी मैं ऑटो में हूँ, बस का वेट किया, बस बस वाले नहीं ले रहे थे अपना सामान को, तो ऑटो वालों के साथ ही अभी मैं जा रहा हूँ रायकेरा, ऑटो में सामान को लेके, देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, और मैं अकेले हूँ तो क्या ही कहना, ज़्यादा चार्ज देना पड़ रहा है, तो यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर है। अपना बुलेरो है, आप लोगों को पता है, तो अपना बुलेरो में तो मैं 10 किलोमीटर का भी 500 रुपये में ले जाता हूँ, पता है ना। तो क्या ही करना, अकेले हूँ और मजबूरी रहने से इंसान क्या नहीं करता है, वैसे ही कर रहा हूँ मैं भी। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ ऑटो से, और मैं अकेले हूँ तो ज़्यादा चार्ज लग रहा है।
तो चलो चलते हैं अपना उधर कॉलेज साइड जहाँ पर रूम खोजे हैं वहाँ। तो लेट्स गो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यार मैं अपना रूम में पहुंच चुका हूं, तो आपको दिखाता हूं फ्रेंड्स मेरा रूम को यार। तो ये है अपना रूम फ्रेंड्स, और अभी तो मैं सिंगल हूं, कल सागर वागर लोग आएंगे। तो फ्रेंड्स ये है अपना रूम, अभी तो फिलहाल अकेला आया हूं, अभी जस्ट झाड़ू पोछा वोछा किया हूं। ये देख सकते हो अपना रूम कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर दरवाज़ा है और इधर इतना बड़ा जगह है। तो सागर लोग आएंगे तो मैनेजमेंट करेंगे, और इस पार एक ठी और रूम है, दो रूम है ठीक है, एक ठी उधर है एक ठी इस पार है। तो इस पर किचन के लिए मैं सेट कर दिया हूँ, तो अपना गैस लाए हैं, इसमें ना क्या बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस लगता है, तो है ही नहीं फ्रेंड्स यार ये वाला मैं आएगा तो अभी नहीं डलवाए हैं और डलवाऊंगा बाद में, और यहाँ पर एक रोशनदान है। तो फ्रेंड्स यार ये रहा अपना फुल टोटल रूम का सेटअप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बोर्ड लेके आ गया हूँ, और यहाँ पर एक चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फ्रेंड्स, अभी तो मैं यहाँ पर आके कपड़ा वपड़ा चेंज किया पूरा गंदा हो गया था, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना यार नेटवर्क का है, बता रहा हूँ ना, मतलब मैं कैसे मेरा यूट्यूब वीडियो अपलोड करूँगा ये समझ नहीं आ रहा, एकदम केबी में चलता है, एमबी में भगता ही नहीं है, मतलब केबी में चलता है, वो भी 100 KB 200 KB ऐसे, तो व्हाट्सअप केवल में रिप्लाई जाता है बाकी कुछ भी होता नहीं है। और जस्ट इधर वो क्या बोलते हैं मेन रोड है, तो ज़्यादा इधर उधर घूमने का परेशानी दिक्कत नहीं है, एकदम आउट एरिया में भी नहीं है, बट मैं लोकेशन नहीं दिखा सकता हूँ कि कहाँ पर है, लोकेशन कहीं का शेयर नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स यार अभी मेरे को भूख लग रहा है, और गैस वैस में कुछ है ही नहीं, तो फिलहाल अभी मैं नाश्ता करने के लिए जा रहा हूँ, तो कपड़ा वपड़ा चेंज करता हूँ फिर से, इसके बाद चलते हैं नाश्ता करने। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो फ्रेंड्स यार अभी मैं रोड में आ गया हूँ कपड़ा वपड़ा चेंज करके, तो फ्रेंड्स अभी जा रहा हूँ जस्ट बगल में, मतलब थोड़ा दूर के आसपास ही है, मतलब क्या कहना चाहिए, पास में एक राकेरा चौक बोलते हैं हम लोग का कॉलेज से बगल में है, तो फ्रेंड्स मैं वहीं पर जा रहा हूँ, वहाँ पर होटल वोटल है तो नाश्ता वास्ता करने के लिए। और फ्रेंड्स से देख रहे हो रास्ता, अब रील्स बनाने के लिए मज़ा आएगा, डेली दौड़ने के लिए मज़ा आएगा, वर्कआउट करने के लिए मज़ा आएगा, रनिंग करने के लिए मज़ा आएगा, अब तो बहुत सारा रूटीन, आज मैं सोचूंगा कि क्या क्या करना है मेरे को, तो इधर आके कुछ कुछ बेनिफिट उठाना है, फ़ायदा उठाना है इधर आए हैं उसका। तो फ्रेंड्स यार पढ़ाई लिखाई तो करना है, उसके साथ साथ और भी चीज़ करना है, तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ रायकेरा चौक में, वहाँ पर होटल वोटल है शायद, तो नाश्ता वास्ता करते हैं। एक्चुअली मेरे को भी भूख लग रहा है, मैं भी सुबह से खाना नहीं खाया हूँ, बच्चे ने नाश्ता वास्ता किया था और बस में मिल गया था एक फ्रेंड, तो वो मेरे को संतरा खिला दिया था, तो फिलहाल अभी जा रहा हूँ मैं खाने के लिए कुछ कुछ, चलो चलते। समझ रहे हो आप। तो फ्रेंड्स यार पेट्रोल टंकी के जस्ट बगल में भाई ये होटल खोल के रखा है ठीक है, तो यहीं पर आ गया हूँ नाश्ता वास्ता करने के लिए, और मैं फर्स्ट बार आया हूँ तो मेरे को पता नहीं था कि होटल किधर है, तो ढूंढते ढूंढते में मेरे को मिला, तो पेट्रोल टंकी के जस्ट बगल में है और कॉलेज भी जस्ट ही बगल में है। तो फ्रेंड्स यार अभी मैं नाश्ता वास्ता कर लेता हूँ, इसके बाद फिर मिलता हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स यार मैं भाई का दुकान में नाश्ता वास्ता कर लिया, और जस्ट बगल में पेट्रोल पंप है, तो वहाँ उधर जा रहा हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को इधर का पेट्रोल पंप, इसके बाद फिर चलेंगे अपना रूम, हो सके तो घूमने भी जाएंगे, दोस्त लोग कल आएंगे मेरे, तो आज तो अकेले हूँ तो अकेले ही टाइम पास करता हूँ घूम फिर के, और शाम को स्टडी करूँगा, अब एग्ज़ाम पहुँच गया तो स्टडी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर निपट जाऊँगा। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट बगल में है, ये देख सकते हैं पेट्रोल टंकी, तो दिखाता हूँ फ्रेंड्स यार इधर का बैकग्राउंड यार, और यहाँ पर है पेट्रोल टंकी, ये देख सकते हो आप, ये रहा पेट्रोल टंकी, और जस्ट उधर अपना कॉलेज है, तो अभी तो एक आखिरी गाड़ी भी नहीं आया है कि कोई पेट्रोल वेट्रोल डलवाता तो दिखाता। तो फ्रेंड्स यार अभी मैं दीदी लोग का साथ जा रहा हूँ, दीदी लोग का रूम, आज दिन भर रूम में ही था, संतोष के साथ थोड़ा सा घूमा, इसके बाद में दीदी लोग आए, इन लोग अंबिकापुर गए थे, तो उधर से आए, फिर अभी मेरे को रूम लेके जा रहे हैं, तो चलो दीदी लोग का रूम चलते हैं, अभी बगीचा बस स्टैंड के पास है फ्रेंड्स, इधर का बैकग्राउंड दिखाता हूँ यार आपको। तो फ्रेंड्स ये देखो नाइट का बगीचा बस स्टैंड का बैकग्राउंड ये देख सकते हो, और लाइट की वजह से इधर ये बस स्टैंड साइड घुसे हैं अभी, तो ये बस स्टैंड का सीन देख लीजिएगा, ये देखो बगीचा नाइट में कुछ इस कदर दिखता है, ये रहा अपना प्रतीक्षालय बस स्टैंड, जो कुछ भी अब देख रहे हो, जो ये रहा होटल यानी कि प्रतीक्षालय, नाइट में ऐसे दिखता है ना बगीचा। तो फ्रेंड्स यार अभी मैं जीजा लोग का रूम में हूँ, और जीजा लोग का साथ हैं, और जीजा लोग का रूम ही आज रात भर रहूँगा। तो फ्रेंड्स यार
आज का ब्लॉग वीडियो कहीं एंड कर रहा हूँ क्योंकि काफी लंबा भी हो जा रहा है, तो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड चैनल पर तो सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतनी, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय, कल मिलता हूँ आपसे।